नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। आज की जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं ये है जी जॉन डियर का 52। तो दोस्तों 50 HP का ट्रैक्टर है और कंपनी ने इसे फुली लोडेड ट्रैक्टर बनाया है जी। इसके मैं आपको पूरे फीचर बताऊंगा। तो दोस्तों अगले टायर जो हैं 750/16 के हैं और मात्र 50 पावर में ही कंपनी से ये ट्रैक्टर 16/9/28 के टायरों के साथ है। दोस्तों काफ़ी पावरफुल ट्रैक्टर है क्योंकि कंपनी 16/9/28 के टायर दे रही है और इसमें 14/9/28 का कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों पहले कर लेते हैं ट्रैक्टर का ओवरव्यू। काफ़ी शानदार लुक के साथ बनाया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के इंजन की। तो दोस्तों इन लाइन पंप के साथ इसका 50 HP का इंजन है और ये टर्बो चार्जर के साथ आ जाता है। दोस्तों जो जॉन डियर का टर्बो होता है इसमें ऑयल की भी सप्लाई होती है और इसके बुश को ठंडा रखने के लिए कूलेंट की सप्लाई भी अलग से दी जाती है, जिससे कि इसकी लाइफ काफ़ी बढ़िया होती है। और ये काफ़ी बड़ा टर्बो दिया गया है जिसके अंदर। और दोस्तों रोटर पंप की जगह अब जॉन डियर ने इन लाइन पंप लगा दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है भारत में, और रोटरी पंप किसानों ने इतना ज़्यादा पसंद नहीं करा था दोस्तों। तो दोस्तों ये 50 HP का ट्रैक्टर है और फुली लोडेड ट्रैक्टर है। दोस्तों वीडियो में बने रहे, मैं आपको इसके पूरे फीचर बताऊँगा। तो किसान भाई, इलेक्ट्रॉनिक में भी जॉन डियर बहुत ही अच्छा काम करती है। 100 एम्पेयर की इसमें फ्रंट में बैटरी दी गई है। ये फ्रंट में वेट का भी काम करती है और वायरिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से की जाती है जॉन डियर द्वारा। मुझे बड़ी पर्सनली बहुत पसंद है जो कि इसके इलेक्ट्रॉनिक फीचर हैं, जैसे कि इसका अल्टरनेटर हो गया। दोस्तों ये पूरा 50 एम्पेयर का अल्टरनेटर है और 2 kW का इसमें TVS लुक्स का सेल्फ दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी। देखिए दोस्तों वायरिंग वगैरह बिल्कुल हर जगह क्लिपिंग करी गई है। अगर कहीं से खोलना भी हो तो वायर खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ये प्लग हटाएं और वायरिंग अलग हो जाएगी। तो दोस्तों टर्बो ट्रैक्टर है तो कूलिंग सिस्टम भी काफ़ी बड़ा है इसका। बड़ा रेडिएटर है दोस्तों और लोहे की पंखी हैं क्योंकि टर्बो ट्रैक्टर को कूलिंग सिस्टम अच्छा चाहिए। ऑयल कूलर दिया गया है दोस्तों इसमें ऑयल को ठंडा रखने के लिए। यहाँ पे भी अपना कूलेंट आता है। तो दोस्तों कॉलर शिफ्ट यानी कि फुली कांस्टेंट मैश गियर बक्से के साथ आ जाता है फैक्ट्री। एडजस्टेबल हैवी फ्रंट है जी, ये वेट का भी काम करता है। और ये ट्रैक्टर अगर आप लोडर एप्लीकेशन पे इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए काफ़ी स्पेशल है और फ्रंट एक्सल इसका बहुत ही हैवी दिया गया है। और दोस्तों जॉन डियर के सभी ट्रैक्टर पावर स्टेयरिंग के साथ आते हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि पहले सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग आता है, लेकिन अब और कंपनियों की तरफ जॉन डियर ने भी सुधार करते हुए ड्यूअल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग दिया है दोस्तों, यानी कि दोनों तरफ इसका सिलेंडर चलता है। सिंगल एक्टिंग चलाने के लिए इतना अच्छा नहीं होता पावर स्टेयरिंग, लेकिन डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग अच्छा होता है दोस्तों। तो दोस्तों गियर बक्से की बात करें तो ABC हाई लो मीडियम में, मतलब ये सीधी भाषा में कहें तो हम हाई लो मीडियम इधर आ जाता है दोस्तों, और 1, 2, 3 और रिवर्स इधर आ जाता है। तो दोस्तों 12 गियर स्पीड दी गई है ट्रैक्टर में, 9 स्पीड आगे की और 3 स्पीड बैक की। वही दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पुराने वाला ही है और इसमें इकोनॉमी PTA दी गई है भाइयों। ये जो है अपना 1600-1700 पे निकालता है जी ERPM, यानी कि ज़्यादा चक्कर निकाल लेगा, और 2300 पे निकालता है दोस्तों ये पावर PTO। तो दो तरह की PTO दोस्तों, अगर कम लोड पे हमें कुछ पंपिंग सेट वगैरह या जो भी चलाना है स्प्रे मशीन, तो हम यहाँ पे चला सकते हैं, और रोटावेटर और हैवी कामों के लिए हम इसे यहाँ पे चला सकते हैं। तो दोस्तों दो तरह की PTO होगी और ट्रैक्टर में 12 गियर हो गए, 9 आगे के और 3 पीछे के। तो दोस्तों ये ट्रैक्टर पूरा इंडिपेंडेंट क्लच के साथ आता है, PTO क्लच है ये पूरा बस इस क्लच से कोई लेना देना नहीं है पैर वाले से PTO का, ये इंडिपेंडेंट PTO क्लच है जी। जैसा कि दोस्तों आपने देखा ही है कि टैंक हमेशा जो जॉन डियर कंपनी है पीछे ही देती है, कुछ तो इसका वेट बना रहता है। और कुछ कंपनी का मानना है कि ट्रैक्टर में तेल ठंडा जाना चाहिए, तो वही प्लास्टिक का टैंक पिछले मरगाड़ों के बीच में दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों चारों टायर बड़े होने के कारण ट्रैक्टर लुक में भी बहुत अच्छा है। ये नया मॉडल है जी 52 जॉन डियर का, तो एकदम बड़ा ट्रैक्टर महसूस हो रहा है। 50 HP का ट्रैक्टर होते हुए भी कंपनी ने इसमें 16 के ही टायर दिए हैं। तो दोस्तों अब सभी कंपनियां 50 HP में बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर दे रही हैं, वो इस कारण से दोस्तों कि अगर 50 HP से ऊपर कैटेगरी लेके जाती हैं अपने ट्रैक्टर की, तो उन्हें CRDI पंप और बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब कंपनियां उससे ट्रैक्टर की कीमत भी बढ़ती है, तो भारतीय बाज़ार में दोस्तों सस्ता ट्रैक्टर को कैसे बनाया जाए, तो 50 HP कैटेगरी के अंदर ही ट्रैक्टर को रखना चाहती हैं।
लेकिन सभी कंपनियों के ट्रैक्टर जो नए आ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि पहले आपने कभी नहीं देखा होगा कि 50 एचपी में कंपनी ने, किसी भी कंपनी ने 16 के टायर दिए हो, लेकिन सभी कंपनियां अभी इसी पे जोर लगा रखे हैं कि सादे ट्रैक्टर सादा ही रखा जाए और उसे अच्छे से अच्छा कैसा कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों ये 2 महीने बाद ये लागू हो जाएगा कि अगर कोई भी कंपनी 50 एचपी से 51 एचपी भी अपनी आरसी पे लिखती है ट्रैक्टर की, तो उन्हें सीआरडीआई पंप और ईजीआर वगैरह काफ़ी कुछ लगाना पड़ेगा, जिससे ट्रैक्टर की कीमत भी बढ़ेगी और थोड़ा रख रखाव भी ट्रैक्टर का ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़िया हाइड्रोली है, हाइड्रोली के फीचर काफ़ी अच्छे हैं ट्रैक्टर के। 3 सेंसिंग पॉइंट है लिंक लगाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है दोस्तों, नया मॉडल है जॉन डियर का। और आपको ट्रैक्टर कैसा लगा भाई कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद जी।